नमस्कार, आप सभी का वीडियो टीवी भारत में स्वागत है। खंडवा डोर इच्छापुर हाईवे पर दुर्घटना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। शासन कितने ही दावे कर ले कि यातायात व्यवस्था उचित है, पर दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। कि किस रोड पर रोजाना क्या घटनाएं हैं, इसका ग्राफ सबके सामने है। ओंकारेश्वर से खंडवा आ रही बस धनबाद के पास पोकलेन पर घुस गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की सूचना है। ना ही पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। इंदौर इच्छापुर हाईवे निर्माण कार्य में पोकलेन फोरलेन निर्माण कार्य में लगी है। पोकलेन से काम किया जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बस में आगे की तरफ बैठे यात्रियों को चोटें आई हैं। घायल यात्रियों को सनावद और खंडवा के अस्पताल भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के समय बस ड्राइवर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था और अचानक पोकलेन में जाकर के भिड़ गया। वहीं बस दुर्घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। बस ड्राइवरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है कि तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। खंडवा से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।